नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताऊंगी रेल सेवक कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि के नियम। गहन, जिन कर्मचारियों को उनके 6 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में 1 घंटे से भी कम निष्क्रियता अवधि होती है, बाकी समय वह शारीरिक एवं मानसिक तौर पर व्यस्त रहते हैं, ऐसे कर्मचारियों को गहन वर्गीकरण में सम्मिलित किया गया है। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन औसत 6 घंटे, प्रति सप्ताह औसत 42 या 45 कार्य घंटे एवं प्रति सप्ताह में दिए जाने वाले विश्राम की अवधि लगातार 30 घंटे की होगी। इस वर्ग में गाड़ी नियंत्रक, टेलीफोन ऑपरेटर, मोटरमैन, पैनल एवं RRI पर कार्यरत स्टेशन मास्टर इत्यादि को शामिल किया गया है। निरंतर, जिन कर्मचारियों को उनके 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में 2 घंटे से कम निष्क्रियता अवधि होती है एवं बाकी समय वे शारीरिक एवं मानसिक तौर पर व्यस्त रहते हैं, ऐसे कर्मचारियों को निरंतर वर्गीकरण में सम्मिलित किया गया है। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन औसत 8 घंटे, प्रति सप्ताह औसत 48 या 54 घंटे कार्य सीमा एवं 1 विश्राम लगातार 30 घंटे का देने का प्रावधान है। इस वर्गीकरण में मुख्य रेल मार्गों पर जहां गाड़ियों का परिचालन कार्य अधिक हो, वहां के गाड़ी संचालन के कार्य से जुड़े हुए कर्मचारियों, स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, बुकिंग क्लर्क, रनिंग कर्मचारियों को शामिल किया गया है। आवश्यक रूप से विरामी, जिन कर्मचारियों को उनकी 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में लगातार शारीरिक एवं मानसिक एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती एवं 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी में 6 घंटे से अधिक की निष्क्रियता अवधि होती है, ऐसे कर्मचारियों को आवश्यक रूप से विरामी वर्गीकरण में सम्मिलित किया गया है। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन 10 या 12 घंटे, औसत साप्ताहिक ड्यूटी 60 या 72 घंटे एवं 75 कार्य घंटे एवं 1 साप्ताहिक विश्राम लगातार 24 घंटे का होगा, जिनमें 1 रात्रि का शामिल होना अनिवार्य माना गया है। इस वर्ग में ब्रांच लाइन पर कार्य करने वाले गाड़ियों के परिचालन से संबंधित सभी विभागीय कर्मचारी जैसे स्टेशन मास्टर, केबिन मैन, बुकिंग क्लर्क, केयर टेकर, फाटक वाला आदि को शामिल किया गया है। अपवर्जित, जिन कर्मचारियों का दायित्व कार्य के प्रति 24 घंटे लगातार होता है लेकिन शारीरिक एवं मानसिक तौर पर 6 घंटे से अधिक व्यस्त नहीं रहते, ऐसे कर्मचारियों को अपवर्जित वर्गीकरण में शामिल किया गया है। इन कर्मचारियों के प्रतिदिन कार्य के घंटों, प्रति सप्ताह के कार्य के घंटे एवं विश्राम की सीमा के घंटे एवं ओवरटाइम प्रदान करने का प्रावधान नहीं होता। इन कर्मचारियों को 2 सप्ताह में 1 बार लंबा विश्राम सक्षम अधिकारी द्वारा देने का प्रावधान है। इस वर्ग में पर्यवेक्षक, अनुदेशक, निरीक्षक एवं स्टेशन प्रबंधक आदि को शामिल किया गया है। इन नियमों के तहत उपरोक्तानुसार वर्गीकृत किए गए विभिन्न कर्मचारियों के कार्य घंटा को चार्ट द्वारा
दर्शाया गया है। इन नियमों के तहत उपरोक्तानुसार वर्गीकृत किए गए विभिन्न कर्मचारियों के कार्य घंटों को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।